रोमन रेंस ने क्या रे मिस्टीरियो को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय की चैंपियनशिप रिटेन और जाने की क्या कुछ बड़ा आज डब्ल्यू स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स। WHG वैसे आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत जबरदस्त रही है। इसकी क्या रेटिंग थी, क्या इसके अंदर दोस्तों हमने मिस किया, ये हम वीडियो के अंत में डिस्कस जरूर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों हम स्मैकडाउन की शुरुआत के साथ। तो गाइस आज की स्मैकडाउन का जो मेन इवेंट होना था वो होना था रे वर्सेस रोमन रेंस, जो कि मैंने आपको अपने प्रीव्यू वाली वीडियो में बता दिया था कि हेल इन अ सेल जो है ये होगा इस बार की स्मैकडाउन के अंदर ही। इसकी शुरुआत यानी कि स्मैकडाउन की शुरुआत की रे मिस्टीरियो ने। रे मिस्टीरियो रिंग के अंदर आए जहां दोस्तों उन्होंने एक इमोशनल बाप की तरह प्रोमो काटा है। रे मिस्टीरियो क्या चीज कहते हैं, रे मिस्टीरियो ये चीज कहते हैं कि लास्ट वीक जो कुछ हुआ वो उनसे देखा नहीं गया। ये चीज किसी भी पेरेंट के लिए मुश्किल हो सकती है कि उसके बेटे को उसी के सामने पीटा जाता है, इस तरीके से फेंका जाता है जैसे कि ईंट की कोई बोरी हो। इसके बाद दोस्तों वो रोमन रेंस को ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंस को मैंने ट्विटर पर चैलेंज कर दिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, पर मैं चाहता हूं कि वो कुतिया का बच्चा रिंग में आकर ये चीज एक्सेप्ट करे। दोस्तों उन्होंने कॉल्ड आउट कर दिया था रोमन रेंस को और फिर दोस्तों हमें ट्राइबल चीफ की एंट्री होते हुए नजर आती है, जहां दोस्तों रे मिस्टीरियो सेल के अंदर बंद हो चुके थे। रोमन दोस्तों हेल इन अ सेल के अंदर नहीं घुसते और रैंप के ऊपर से जवाब देते हैं। वहां दोस्तों रोमन क्या चीज कहते हैं, रोमन रेंस ये चीज कहते हैं कि देख रे मिस्टीरियो, बात है कुछ ऐसी कि मैं तुझे फेस नहीं करना चाहता, तू तैयार नहीं है यार। रही बात तेरी तो मैं तुझसे फिर से पूछता हूँ, क्या तू रेडी है? इस पर दोस्तों रे मिस्टीरियो कहते हैं कि 100% मैं तेरे लिए तैयार हूँ। इस पर रोमन रेंस ने ये चीज कही कि अब थिंग्स मुझे अपने तरीके से करनी होगी और वो वहां से निकल गए। तो यहां दोस्तों मैच को हाइप कर दिया गया था। शुरुआती सेगमेंट दोस्तों काफी इंटेंस था, रे मिस्टीरियो बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे थे और गाइस अब बहुत ज्यादा मजा आना था। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों टैग टीम मैच बिटवीन अजीज एंड उनके मित्र यानी कि अपोलो वर्सेस केविन ओवंस एंड बिगी के मध्य। इस मैच की खास थिंग क्या थी कि इसके अंदर दोस्तों जो सेमी जेन है वो कॉमेंट्री टेबल पर आकर बैठ चुके थे और दोस्तों कॉमेंट्री कर रहे थे। मैच दोस्तों काफी बढ़िया जा रहा था लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों सेमी जेन ने अपनी औकात दिखा दी। उन्होंने क्या चीज की, उन्होंने ये चीज की कि केविन ओवंस को उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया, केविन ओवंस अंदर गए, उन्हें दोस्तों अजीज ने अपना फिनिशर यानी कि नाइजीरियन नेल लगाकर पिन कर दिया और इस तरीके से अपोलो एंड अजीज इसमें विजय रहे। मैच के बाद दोस्तों ये एंगल देखने को मिलता है कि सेमी जेन बैकस्टेज जाते हैं और ये चीज कहते हैं कि इसे कहते हैं कर्मा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है और वहां से वो हंस के चल देते हैं, जहां दोस्तों फिर एंट्री हो जाती है हमारे केविन ओवंस की। केविन ओवंस दोस्तों वहां सीधे गए एडम पियर्स के पास। एडम पियर्स से ये चीज कही कि मुझे मैच चाहिए सेमी के खिलाफ और एडम पियर्स से उनका मैच बना दिया दोस्तों हेल इन अ सेल में। शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा केविन ओवंस वर्सेस सेमी जेन फिर से एक बार। तो गाइस ये ह्यूज मैच बन चुका है, बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था शिंसुके नाकामुरा वर्सेस किंग कॉर्बिन। तो बैटल फॉर द क्राउन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जहां सबसे पहले शिंसुके नाकामुरा की तगड़ी वाली एंट्रेंस होती है, फिर दोस्तों किंग कॉर्बिन आते हैं। मैच शुरू होता है, मैच के अंदर दोस्तों दोनों कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों हमें काउंटर करते हुए नजर आते हैं शिंसुके लाल और लगा दे अपना फिनिशर यानी कि किनशासा 1, 2 और 3। हमें दोस्तों हमारा नया किंग मिल चुका है स्मैकडाउन का और वो है शिंसुके नाकामुरा। अब गाइज अगले से आप लोगों को भी शिंसुके नाकामुरा को शिंसुके लाला या फिर नाकामुरा नहीं कहना होगा, उन्हें हमें कहना होगा किंग शिंसुके। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बियांका ब्लेयर का प्रोमो। तो बियांका ब्लेयर दोस्तों रिंग के अंदर आई है, जहां दोस्तों उन्होंने प्रोमो काटा है बेली के खिलाफ। ये चीज बोली कि बेली जो है वो एक बुली के जैसे है, जिस तरीके से एक बुली होता है जो कि बिन बात के सताता है लोगों को, उसी तरीके से जो बेली है वो है और बेली जो है उसे मैं रिंग के अंदर कॉल्ड आउट करती हूँ, तो आजा बुली। जिस पर दोस्तों बेली की एंट्री नहीं होती, इस पर दोस्तों जो हमारी बियांका है ये चीज कहती है कि मुझे तुझसे यही एक्सपेक्टेशन थी, रही बात तेरी मेरी तो मैं नहीं चाहती कि हमारा मैच कोई आम हो, मैं चाहती हूँ कि वो बने एक हेल इन अ सेल मैच। तो पिंजरे वाला मैच दोस्तों यहाँ बन चुका है, जिसके बाद दोस्तों में एंट्री होते हुए नजर आती है बेली की, बट इस बारी दोस्तों बेली ने किया है वार वहां बियांका के ऊपर और फिर दोस्तों इनके मध्य छिड़ गई ब्रॉल।
तो मैंने आपको बता रखा था ब्रॉल छिड़ेगी, ब्रॉल हुई। बात की जाए कि कौन इसमें उठकर सामने आया, तो गाइस इस बारी की ब्रॉल में जो हमारी हील है यानी कि दोस्तों जो बेली है, उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और ब्रॉल में दोस्तों उन्होंने बियांका को पेल दिया, बियांका को पीट दिया, बियांका को दोस्तों बिल्कुल नस्ता नाबूद कर दिया रोज प्लांट लगाकर। और वहां दोस्तों उन्होंने टाइटल होल्ड किया, जहां हमें फिर से उनके बैकग्राउंड में बहुत सारी इमेजेस दिखाई दी है बेली की। तो गाइज इस तरीके से सेगमेंट हुआ आज का खत्म, और हमें पता चल चुका था कि गाइज हेल इन अ सेल इनके मध्य होगा इस बारी के पीपीवी में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था रोमन रेंस का मिलना जिमी उसो से। तो बैकस्टेज दोस्तों जो जिमी उसो है वो आकर ज्वाइन करते हैं रोमन रेंस से। रोमन रेंस वहां दोस्तों किसी सोच में थे, वहां में क्या एंगल देखने को मिलता है कि जिमी उसो कहते हैं कि भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी बातों को समझ चुका हूं, और आज के मैच में अगर तुझे मेरी जरूरत पड़ी तो मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। इस पर दोस्तों रोमन रेंस ने कही कि मुझे तेरी नहीं जे उसो की जरूरत है, नहीं नहीं हमें नहीं हमारी फैमिली को जे उसो की जरूरत है। तो जे उसो आज के स्मैकडाउन से इसलिए गायब थे क्योंकि वो इन दोनों के झगड़े से परेशान है। लेकिन यहां हमें पता चल चुका था कि शायद जिमी जो है वो रोमन के पक्ष में है, लेकिन स्टिल दोस्तों एक मिस्ट्री बनी हुई थी। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों ओटिस वर्सेस एंजेलो डॉकिंग्स। तो गाइस ये मैच असलियत में हो ही नहीं पाया, दरअसल एंजेलो को आना था बदला लेने अपने दोस्त का यानी कि मोंटेस का, क्योंकि मोंटेस इंजर्ड कर दिया गया ओटिस के द्वारा। बट दोस्तों ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट ही नहीं हो पाया। हुआ क्या इस मैच के शुरुआती क्षणों में कि गाइस चैड गेबल एंड दोस्तों हमारे ओटिस है वो एंजेलो के ऊपर टूट पड़े, उनकी पिटाई करने लगे, आउटसाइड ले गए, इंजर्ड किया, रिंग के अंदर ले जाकर दोस्तों उन्होंने टैग टीम मनूवर लगाया, और उसके चलते दोस्तों वहाँ एंजेलो जो है वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो फ्यूचर मैच दोस्तों यहाँ टीज कर दिया गया है, अल्फा अकेडमी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट जल्द बनेगा, बट यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट अस्पताल पहुंच चुकी है, ये बॉटम लाइन है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों सिजारो का इंटरव्यू। तो सिजारो का दोस्तों बैकस्टेज इंटरव्यू हो रहा है, सिजारो दोस्तों वहाँ कायला के साथ बैठे हुए थे, कायला उनसे सवाल पूछ रही थी सैद के ऊपर। सिजारो ये चीज़ कह रहे थे कि सैद से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट उसने थिंग्स को पर्सनल खुद ब खुद बनाया है, वो मुझे नहीं मानता है कि मैं मेन इवेंट प्लेयर हूँ, और इसी से मेरा उस पर गुस्सा है। जिस पर दोस्तों वहाँ आ जाते हैं सैथ रॉलिंस कहते हैं कि शांत गदाधारी भीम, शांत बैठ जाओ, जहाँ दोनों बैठते हैं। और ये चीज़ कहते हैं कि सैथ किस बारी के हेल इन अ सेल में उस सिजारो को उनकी सही पोजीशन पर पहुँचा कर रहेंगे। सिजारो को दोस्तों यहाँ गुस्सा आया, सिजारो उठे, उन्हें हल्का सा धक्का दिया, वहाँ सैथ को, और सैथ चेयर पर से गिर गए, और फिर वहाँ से दोस्तों सिजारो निकल गए। तो गजब बेइज्जती है यार फिर से सैथ रॉलिंस की बेइज्जती होगी। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ, और इसके पश्चात जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग यानी कि दोस्तों रे मिस्टीरियो वर्सेस रोमन रेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हेल इन अ सेल दोस्तों नीचे उतर चुका है, रे मिस्टीरियो की एंट्री हो चुकी है, और वो इंतजार कर रहे हैं ट्राइबल चीफ का। ट्राइबल चीफ की तगड़े वाली एंट्री, इस बार उनके साथ जी उसो नहीं थे। वहां दोस्तों रोमन रेंस विद दोस्तों पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं, जहां दोस्तों मैच बिगन होता है। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों रे मिस्टीरियो ने क्या किया कि वो बाहर गए, एप्रन के नीचे से दोस्तों ने चेयर निकाली और हमला बोल दिया। यहां दोस्तों रोमन को कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो ने ज्यादा दिमाग लगाया, वो फिर से बाहर ही रहे। उन्होंने क्या किया कि फायर एक्सटिंग्विशर से दोस्तों वहां रोमन को अंधा कर दिया। मैच दोस्तों कंटिन्यू रहता है, जिसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो उनके चेहरे पर टूल बॉक्स मार देते हैं, और कमर्शियल ब्रेक आ जाती है। कमर्शियल ब्रेक क्या खत्म हुई दोस्तों, पासा उल्टा हो चुका था, जहां दोस्तों रोमन रेंस ने अब पकड़ बना ली थी, वहां रे की पिटाई किए ही जा रहे थे। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में क्या एंगल देखने को मिला कि गाइस वहां रे मिस्टीरियो जो है वो काफी ज्यादा पिटाई खा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में दोस्तों वेपन्स का यूज करते हुए कमबैक भी कर रहे हैं, जहां दोस्तों फिर रोमन रेंस को कुछ ऐसा गुस्सा आया कि आप मुझसे पूछे ना। उन्होंने दोस्तों सेम टू सेम जैसे उन्होंने डोमिनिक को फेंका था आउटसाइड, उन्होंने रे मिस्टीरियो को फेंका, वहां दोस्तों रे बेचारे सेल से बचे, और फिर दोस्तों रिंग के अंदर ले जाकर रोमन रेंस ने उन्हें लगाया गियोटीन, जो कि नए तरीके का था, इन्वर्टेड था, और इस पर दोस्तों रे मिस्टीरियो ने कुछ चंद सेकंडों में ही सबमिट कर दिया, और इस तरीके से रोमन रेंस ने आज टाइटल रिटेन कर दिया। मैच के बाद जो कुछ हुआ है दोस्तों वो ज्यादा शॉकिंग मुझे लगा, हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। अब रे मिस्टीरियो हार चुके थे, रोमन रेंस का गुस्सा शांत हो चुका था, वहां दोस्तों जिमी उसो आ जाते हैं। जिमी उसो क्या करते हैं कि गाइस रोमन रेंस का हैंड रेस करते हैं, मानो दोस्तों उन्होंने एक्नॉलेज किया वहां रोमन को, जहां दोस्तों में क्या एंगल देखने को मिला है कि गाइस फिर रोमन को फिर से गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया कि बेचारे रे मिस्टीरियो को फिर से उठाया और फिर से गियोटीन लगाया, और इस तरीके से दोस्तों आज की स्मैकडाउन हुई है खत्म।
अब गाइस बात की जाए स्मैकडाउन की, स्मैकडाउन आज की बहुत ही धांसू थी। आज की स्मैकडाउन का दोस्तों जो ये मेन इवेंट था ये अपने आप में किसी पीपीवी से कम नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये काफी स्टार स्टडीड था। रोमन ने एक और लेजेंड को हरा दिया है, उनकी फेयर लिस्ट में दोस्तों एक और नाम जुड़ चुका है, वो है रे मिस्टीरियो का। बेचारे डोमिनिक तो दोस्तों आज इस मैच का पार्ट हो ही नहीं पाए, ना ही दोस्तों आज हमें जे उसो इसके अंदर आते हुए नजर आए। कुल मिलाकर आज की स्मैकडाउन मेरे हिसाब से ताबड़तोड़ थी। मैं से दोस्तों दूंगा 5 में से 4.3 स्टार। आप कितने देंगे दोस्तों स्टार, कमेंट डाउन बिलो। आज की वीडियो इतनी थी, ज्यादा पसंद ही हो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।